अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि शब्बर भाई, आपने टिकटॉक क्यों छोड़ दी? टिकटॉक ने आज आपको इतनी इज्जत दी है और आज आपने टिकटॉक ही छोड़ दी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर शब्बर भाई टिकटॉक ना होता तो शायद आप भी ना होते। तो इट डजंट मीन कि मैं पैदा ही ना हुआ होता। तो बात दरअसल ये है कि ये बात किसी हद तक ठीक है कि हाँ, टिकटॉक ने काफ़ी इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत ली भी है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ जिस बंदे की इज्जत होती है ना, उसकी उस लिहाज से इज्जत नहीं होती जिस लिहाज से देखा जाता है। यहाँ पर अगर एक बंदा जो हाफिज़ कुरान है, जो बंदा मस्जिद का इमाम है, उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे जितना एक बंदा गाड़ियों से चेन पहनता हुआ गाड़ी से निकले बाहर और लोग उसको ठोक के सलाम करेंगे। वो अलग बात है, पीठ पीछे गालियां भी देते हैं, मगर उसके सामने उसे सलाम करेंगे, उसकी तो हौसला अफजाई हो जाती है। तो मेरी बात करने का असल में मकसद ये है कि टिकटॉक ने आज तक इज्जत ज़रूर दी है, फेम ज़रूर दी है, लोगों ने बहुत बहुत पैसा भी कमाया, मगर हमारा रीज़न टिकटॉक छोड़ने का कुछ और ही था। एक स्नैक पर आ गए हैं, तो सीधी सी बात है यार, स्नैक ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं टिकटॉकर्स को, पे किए, अच्छा खासा पे किए, और काफ़ी टिकटॉकर्स ने छोड़ी है। मैं सबकी बात नहीं करता क्यों छोड़ी है, कैसे छोड़ी है, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। दूसरा ये कि स्नैक ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आप हमारे साथ, कोई भी इमर्जिंग ऐप हो, टिकटॉकर्स या कोई भी क्रिएटर है, उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जाए। मसला ये है कि अब मेरे कुछ दोस्तों ने भी टिकटॉक छोड़ी, लेकिन इस वजह से एक इशू ये भी है कि मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी कि भाई दोस्तों ने छोड़ी है तो मेरा यहाँ क्या काम। टिकटॉक पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत भी पा ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन टिकटॉक का जो क्रिएटर है, पाकिस्तान का जो होल्डर है, जिसका नाम क्रिएटर्स जानते हैं, ली उसका नाम है, उसने कुछ धमकियाँ भी दी थी क्रिएटर्स को, दैट्स वाई हमारा ब्लू टिक भी छिन गया, वेरीफाइड अकाउंट। और मैं ये बात करते हुए ना घबराता हूँ ना किसी से डरता हूँ, मुझे कोई क्या बोलेगा, जो सच है वो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। तो ये कुछ रीजंस हैं हमने टिकटॉक छोड़ दिए, अभी स्नैक पे हैं, कल को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, टिकटॉक पे आ जाएंगे अगर चाहा तो, वरना जहाँ पर इंसान का टैलेंट होता है वो छुपता नहीं है। अगर यूट्यूब है तो हम यूट्यूब पर भी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये है कि जितना आपने प्यार दिया है बहुत है यार, कभी सोचा भी नहीं था, खुदा की कसम। सारी रात जागते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ नया लाते हैं आप लोगों के लिए, और आप इतना प्यार भी देते हो, तो बड़े शुक्रगुजार हैं हम, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। जो रीजंस हैं वो आपके आगे मैंने बताई हैं, क्योंकि डेली मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या वजह है आप टिकटॉक में नज़र नहीं आ रहे, ये वजह है भाई। तो अगर आपकी मोहब्बत है तो आप मुझे यूट्यूब पर भी देखिए, और इंस्टाग्राम पर मैं लाइव भी आता रहता हूँ, वहाँ पर मैं वीडियो सारी अपलोड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और स्नैक पे भी, तो आप वहाँ पे देखिए। यूट्यूब चैनल मेरा ऑफिशियल ये है, इंशाल्लाह मज़ीद बातें होती रहेंगी, व्लॉग्स आएंगे, तो इस चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।